वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। वक्त का उतार चढ़ाव ये चलता रहता है, और वक्त उनमें से है जो कभी किसी के लिए ठहरता भी नहीं है, और वक्त ऐसा है जो अपना हिसाब समय पर ले ही लेता है। गलत करोगे तो गलत का हिसाब ले लेता है, और अगर सही करोगे तो सही का हिसाब दे देता है। ये हर चीज़ का हिसाब किताब बहुत बारीकी से रखता है। वक्त बहुत मजबूत और बहुत बलवान होता है। ये वक्त ही है जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। इस वक्त की कद्र करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वक्त को जिसने भी नज़रअंदाज किया है, वक्त ने उसे नज़रअंदाज किया है। और जब वक्त नज़रअंदाज करता है तो मैं एक बात तुमसे कहता हूँ कि अच्छे अच्छों की वक्त ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है, हम तुम सब इस वक्त के हिसाब से बंधे हुए हैं। मैंने वक्त तय था तो मैंने जन्म लिया, और वक्त तय था तो मैंने संसार को इस नश्वर शरीर को छोड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, लेकिन वो वक्त था जब मुझे मेरे नश्वर शरीर को त्यागना था और मैंने त्यागा। ये वक्त था, वक्त ने तय कर रखा था कि मुझे किस दिन जन्म लेना है और मुझे किस दिन इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाना है। तो ये वक्त बहुत बलवान है। जब जब ये चीज़ें तय कर देता है, तब तब वो चीज़ें होकर रहती हैं, और इनको कोई बदल नहीं सकता। एक बात मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी वो परीक्षा तय थी और उस वक्त पर तय थी। तुम्हारा यहाँ पर आना तय था और वो वक्त पर तय था, इसलिए तुम यहाँ आए। तुम्हारी परीक्षा तय थी इसलिए तुम्हारी परीक्षा ली गई, और इसके बाद जब तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई तो फिर तुम्हें कुछ रास्ते दिखाने थे, और इसलिए वो रास्ते दिखाए गए। ये सब वक्त ने किया और किसी ने भी नहीं किया। कुछ लोगों की असलियत तुम्हें दिखानी थी वक्त ने, तो इसलिए ये परिस्थितियाँ आईं, ये मुश्किलें आईं, और इन मुश्किलों में तुम्हें बहुत सारे लोगों के असली चेहरे सामने नज़र आए। और इस वक्त ने तुम्हें इतना कुछ दिखाया है कि इसके बाद तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ या मुझे किसी की पहचान नहीं है। तुम्हें इंसानों की बखूबी पहचान हुई है। यही वक्त का तकाजा है और यही वक्त की परीक्षा है। वक्त तुम्हारी परीक्षा ले चुका, तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई, अब तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं है। अब तो तुम्हारा संघर्ष है और तुम्हारी सफलता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुमने देखा होगा कि जब वक्त तुम्हारा बुरा था, और वक्त बुरा नहीं था, वो परीक्षा का दौर चल रहा था, तब तुम कुछ भी मांगते थे तुम्हें उल्टा ही मिलता था। लेकिन आज ऐसा है कि जब तुम कुछ मांगते हो तो तुम्हें वही मिलता है, सीधा मिलता है, उससे बेहतर मिलता है, क्योंकि वक्त परीक्षा लेना तुम्हारी छोड़ चुका है। अब वक्त ने तुम्हें देने का तय किया है, और जब वक्त देता है तो तुम्हारी झोली भी कम पड़ जाती है, ये निश्चित है। और अब तुम्हारा सही वक्त आ गया है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।